डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बीएससी फाइनल ईयर के लिए है, जो कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी पेपर है। उसका टॉपिक है कि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत अपन हम सब जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि के महत्व के प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। उसी से संबंधित आज अपन इकोनॉमिक दृष्टि से और मेडिसिनल वैल्यू की दृष्टि से एक प्लांट है एट्रोपा, इसका नाम है बॉटनिकल एट्रोपा बेलाडोना। तो एट्रोपा बेलाडोना के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि एट्रोपा बेलाडोना का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या इसकी बॉटनी है, कल्टीवेशन कैसे होता है, यूजेज कौन से हैं, एल्केलॉइड्स कौन कौन से मिलते हैं। तो एट्रोपा बेलाडोना लिनियस इसका पूरा नाम है, एंड अगुणित तो जो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 36 होती है, एंड कॉमन नेम है इसका डेडली नाइट सेड। डेडली नाइट सेड फैमिली इसकी सोलेनेसी है। ओरिजिन की बात करें तो इसका उद्भव मुख्य रूप से है, वो जो नेटिव प्लांट है मुख्य रूप से सेंट्रल एंड साउथर्न यूरोप का है। एशिया में भी माइनर रूप से ये पाया जाता है, पर मुख्य रूप से ये दक्षिणी यूरोप में और मध्य यूरोप में काफ़ी देखने को मिलता है। इन इंडिया इट इज फाउंड इंडिया मुख्य रूप से ये कल्टीवेशन जो चीपली इन कश्मीर और उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इन राज्यों में ये देखने को मिलता है। बॉटनी की बात करें तो एट्रोपा बेलाडोना है ये हर्बेरियस जो ये प्लांट है, ये हर्बेरियस शाकीय पेरेनियल एक बहुवर्षीय पादप है, जो कि मुख्य रूप से हाइट 90 to 120 सेंटीमीटर हाइट पर लगता है, एंड पसेसिंग जो कि अल्टरनेट अरेंज लीफ रखता है, और ये पत्तियां होती हैं एकांतरत क्रम में होती हैं, आकार की दृष्टि से ओवेट होती है, एंड इसके जो फ्लावर्स होती हैं वो पर्पलिस फ्लावर्स होते हैं। अगर इसके कल्टीवेशन की बात करें अपन, तो ये प्लांट्स हैं मुख्य रूप से सीड से ही ग्रो किए जाते हैं, और जो कि मुख्य रूप से हल्का सा गर्म वार्म जगहों पर एंड शेडी प्लेसेज जो छायादार नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट लाइट, जहाँ पर कि डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार इनके कल्टीवेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हैं कि शेडी प्लेसेज होना चाहिए एंड नॉट जो प्लेस है नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, वो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं होना चाहिए या डायरेक्ट लाइट वहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके सीड्स होते हैं वो सीधी लाइट को सूरज की लाइट को सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनका जर्मिनेशन परसेंट है वो घट जाता है। जो द लीव्स एंड टॉप्स आर इसके जो पत्तियां हैं और मुख्य रूप से टॉप्स पत्तियां वो कलेक्ट उनको एकत्रित करके फ्लावरिंग सीजन में, तो इनसे एल्कलॉइड्स जो उस टाइम पर जब ये फ्लावरिंग सीजन होता है उस टाइम पर इनकी लीप्स का और जो टॉप्स का कलेक्शन किया जाता है, उस टाइम पर जो इनमें पत्तियों में एल्केलॉइड्स का जो कंसंट्रेशन होती है वो पीक पॉइंट पर होती है, इसलिए जो इनका कलेक्शन करते हैं तो फ्लावरिंग सीजन में करते हैं, एंड उस टाइम पर 0.9 to 1.23% तक एल्केलॉइड्स होता है। जो द लीव्स आर थ्रोली ड्राइड पत्तियां जब पूर्णतः सुखा के और इनको आर्टिफिशियल हीट से या शेड में छाया में सुखा कर इनसे एल्केलॉइड्स निकाला जाता है। यूजेज की बात करें तो इनका यूजेज एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके जो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं कंटेंट एल्केलॉइड्स, सारे प्लांट्स के सारे भाग हैं वो एल्केलॉइड्स को रखते हैं, बट सबसे ज़्यादा ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल्स में एल्केलॉइड्स की उपस्थिति देखी गई है, इसलिए जो कार्य के रूप से ज़्यादा सक्रिय सेल हैं उनमें एल्केलॉइड्स का जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है।
इससे एट्रोपीन एल्कलॉइड्स प्राप्त किया जाता है, जिसका कि फॉर्मूला है C17H23O2N। बहुत इम्पोर्टेंट है एट्रोपीन एंड बेलाडोमाइन, दूसरा एल्कलॉइड्स एंड एपाट्रोपाइन, नेट्रोपाइन, ट्रोपोकोकाइन इत्यादि प्रकार की एल्कलॉइड्स से प्राप्त की जाती है, जिनके उपयोग कुछ इस प्रकार हैं। ये इन एल्कलॉइड्स का उपयोग नर्वस सिस्टम को स्टमुलेट करने के लिए या एक्टिव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, इन एल्कलॉइड्स का नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए। एंड आल्सो यूज इनका जो रिड्यूस नेसल सेक्रेशन, जो नेजल सेक्रेशन होता है उसको भी कम करने के लिए इन एल्कलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। एंड और आल्सो टू कंट्रोल एक्सेसिव सेलाइवेशन, जो सेलाइवा एक्सेस में गिरता है किसी के मुँह से, तो उसको भी इसके रोकने के लिए इन एल्कलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वूफिंग कफ, जिसको हम कोकर खांसी और अस्थमेटा, इसको श्वास रोग बोलते हैं, उसमें इन एल्कलॉइड्स का बहुत इम्पोर्टेंट निदान में योगदान है कि अस्थमेटिक एंड वूफिंग कफ वाले पेशेंट के लिए ये एल्कलॉइड्स काफ़ी यूजफुल हैं। उसके अलावा वही न्यूरोलॉजिक पेन में भी इसका उपयोग होता है। एट्रोपीन है, इसको मुख्य रूप से जो आई पिपुल ड्यूरिंग ऑप्थेल्मोलॉजिक एग्जामिनेशन, जो आंखों की जो पुतलियां हैं, बात ये कह सकते हैं कि आंखों की पुतलियों के फैलाव के लिए, या ऑप्थेल्मिक जो एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर्स, उस टाइम पर पुतलियों को जो फैलाने के लिए एट्रोपीन का ही यूज करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज है इसका। एंड टू काउंट्रैक्ट मसल स्पाम, एक्सेसिव मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन। एक इसका एल्कलॉइड है इसको पोलेमाइन, जिसका कि यूज पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिव करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा द फ्रूट्स आर सो पॉइजनस, इसके फ्रूट्स इतने पॉइजनस होते हैं, दैट इंजेक्शन ऑफ दीज वेरीज सफिशियंट टू किल द चाइल्ड, इतने पॉइजनस होते हैं कि अगर बच्चा इनके फ्रूट्स को खा ले तो उनकी डेथ हो सकती है। और यूजेज की बात करें एट्रोपा की दूसरी स्पीसीज की, तो रिचेज सोर्स ऑफ एट्रोपीन एंड यूज ऑफ रिलाइव नेजल, नेजल से संबंधित समस्याओं के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोंकियल कप के लिए, अस्थमा के लिए, हे फीवर के लिए, कोल्ड्स में, एंड वेरी यूजफुल है। इट हैज़ बीन आल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोल नाइट वेटिंग, जो रात में बच्चे अपने बिस्तर गीले कर देते हैं उनके लिए भी, उसको नाइट वेटिंग को रोकने के लिए भी इस इन एल्कलॉइड्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एट्रोपा बेलेडोना प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा ओवरडोजेज ऑफ इसकी एट्रोपिन की हो जाए तो कॉजेज अपने लिए हेडेक कर सकता है, हेडेक, सरदर्द एंड इनोसोमिनिया, नोजिया, वोमिटिंग आदि, स्वीटिंग आदि, ये इसके ओवर डोजेज के प्रिकर्सर्स हैं कि नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा दे हैव बीन यूज्ड फॉर अल्टरनेस एंड वेकफुलनेस वाई पायलट एंड मोटरिस्ट्स। जो एट्रोपीन है इसके एल्कलॉइड्स का जो पायलट्स होते हैं या जो मोटरिस्ट्स होते हैं, जो मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, उनमें अलर्टनेस और वेकफुलनेस के लिए भी इन एल्कलॉइड्स का उपयोग किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये आपको आज का टॉपिक जो एट्रोपा बेलाडोना से का है, जो कि आर्थिक दृष्टि से या मेडिसिनल वैल्यू की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको घर पे जा एक बार आत्मसात करेंगे। थैंक यू। कपों के आर्थिक महत्व